हिंदू जो है वो हिंदू की पार्टी को लाइक करता है, भाजपा जैसे हमारी सनातन पार्टी है हिंदुओं की। जो आपने कहा हिंदू हिंदू की पार्टी को लाइक करेगा, तो हिंदू तो दोनों पार्टियां है ना, सपा पार्टी है, हिंदू पार्टी, सपा हिंदू पार्टी है। अरे राम भक्तों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम किया मुलायम सिंह ने, मुलायम उर्फ मुल्ला कहा जाने लगा। उसका एक नकटूटा लड़का है और अखिलेश, जिसको पप्पू लोग कहते हैं, एक कांग्रेस में पप्पू है 55 साल का है, इनको बोलने की तमीज नहीं जनता में, घास को गन्ना कहते हैं है? बताइए भारतीय संविधान की कापी जो है कितनी मोटी है, है? कितने पेज की है? एक छोटी सी लाल डायरी लेकर घूम रहा था देश में, क्या हमारा भारतीय संविधान उस लाल डायरी में आ जाएगा? संविधान बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, बोल रहा था संविधान बचा रहे हैं। राजीव गांधी ने अपने शासन काल में संविधान का संशोधन किया, अपने बाप को क्यों नहीं बोला, संविधान क्यों बोला? आतंकवाद पैदा कर रहे हैं वो, आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। जब से ये विपक्ष तगड़ा हुआ भारत में आतंकवाद बढ़ा है, रह गई अयोध्या की। अयोध्या में केवल सपा इसलिए लोकसभा जीत पाई है, जानवरों के से यहाँ की जनता त्रस्त है, जानवरों के त्रस्त होने के कारण सरकार से प्रशोध लेने के लिए इन्होंने सपा को वोटिंग कर दिया। अखिलेश अवधेश तो झूठा है, उसकी जगह पर अगर एक कुत्ता भी खड़ा होता तो वो भी जीत जाता। क्या बात कर, हाँ सच्ची बात है ये, यहाँ अवधेश नहीं जीते हैं, केवल हिंदुओं ने अपना प्रशोध निकाला है जानवरों से त्रस्त होकर के वोटिंग किया है। और रह गए वो जैसे संसद में कहीं बोलते हैं अवधेश राजा की औकात होती हो, कुछ किस किस का राजा है, अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा उनके बाप हैं। वो साला अपने बाप का जब अपने परिवार में राम नाम नहीं बोल सकता, जय राम नहीं कह सकता, जय श्री राम नहीं बोल सकता, वो अयोध्या का राजा बनेगा? देखता तो हूँ संसद में बैठे रहता, जैसे उसमें दरबे में मुर्गी छिपी रहती वैसे बैठा रहता है संसद में, अखिलेश के बगल में बैठते हैं बिल्कुल। अरे अखिलेश कौन सी तोप है भाई, कौन सी तोप है, वो वही सैफे का गुंडा है, उसका बाप गुंडा पाला, तीख को अंसारी को माफियाओं को पाला है, अब गुंडागर्दी खत्म हो गई, अब उनके मिर्ची लग रही है। सबसे बड़े नेता हैं, कौन नेता उसको नेता है, राजनीति कितने तक का पढ़ा है उसने, लंदन में पढ़ कर आया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उससे पूछो कि कितने क्लास तक का राजनीति शास्त्र लिया है, पढ़ा है वो राजनीति, राजनीति का ककराहा नहीं जानता अखिलेश, झूठ बोलता है और झूठ के रास्ते पे चलता है, उसकी पार्टी में जितने सब झूठे हैं। और रह गई राजनीति, आज की जनता में क्या है, जो भी राजनेता बनता है किस लिए बनता है, धन कमाने के लिए, धन खर्चा करते हैं, जनता का धन लूटते हैं, राजनेता कहते हैं बढ़िया एसी में रहते हैं, स्कॉर्पियो में घूमते हैं, मीट मुर्गा मटन काट चाप के खाते हैं, जनता भूखी मरे। अच्छा आप कह रहे हो कि जैसे कि ये जाति जनगणना ये सब झूठ है, गलत है, ये तो सरासर कानम भारतीय संविधान के खिलाफ है। जब जात पात का भेदभाव खत्म कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने जात पात का भेदभाव खत्म करा दिया है, सब एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ उठ बैठ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, सामान्य भाव से सबको देखा जा रहा है, तो जातीय जनगणना करने क्या मतलब है, जात तो है ही नहीं, जो दबे हुए लोग हैं उनको आगे लाने। हमारे भारत वर्ष में केवल दो जातियां हैं, हिंदू और मुसलमान, दो जातियां प्रमुख है, उसके बाद सिख हैं, ईसाई हैं, ये जातियां हैं। और ये इस तरह थोड़ा होता है कोरी चमार पासी ठाकुर बाबन, ये जाति नहीं है, ये व्रण है, हिंदुओं को बांटने की साजिश है, ये व्रण है, ये केवल जनता को भड़का करके हिंदुओं को बिखराते हैं। और ये टोटल टोटल इस्लाम की खाते हैं, इस्लाम की बजाते हैं। अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया पिछला, दलित अल्पसंख्यक, ये कह रहे हैं कि दलित कौन है, अखिलेश बता दें आज हिंदुस्तान में कोई दलित ला करके सामने खड़ा कर दें, जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो, जिसके घर में बाइक ना हो, जिसके घर में अच्छे कपड़े ना पहनते हो, अखिलेश लाकर एक भी आदमी खड़ा कर दे, मैं हिंदुस्तान छोड़ देने का वादा करता हूँ। मतलब कोई दलित नहीं है, कोई दलित नहीं है, झूठ चाहे जो बोले। आज हमारे हिंदुस्तान में हर आदमी घर में चूल्हा जलता है, हर आदमी घर में खाना बनता है, हर आदमी खाना खाता है, सबको पेंशन मिल रही है, कौन दलित है? जिसके घर में चार चार पंद्रह पंद्रह हजार के मोबाइल बच्चे लेकर घूमते उनको दलित कहोगे? मायावती जी, बहन मायावती अपने को दलित कहती हैं, वो दलित हैं, जिनकी कई करोड़ की कोठियां खड़ी हैं, हम खुद अपनी आँख से देखा, उनकी कोठी तक गया हूँ, उनको दलित कहोगे? पास ही खुद ही पिछड़े समाज, अरे इतनी बड़ी बड़ी मकान बनाया, स्कॉर्पियो में घूम रहा है, वो पिछड़े समाज का है, है? दबे हुए हैं, है? दबे हुए हैं वो, दबे होते तो इलेक्शन लड़ते, करोड़ों खाकर बैठ जाते वो, है?
पिछड़ों का कोई वो है? अच्छा ये अखिलेश जी कहते हैं कि जो ये सरकार है ये पिछड़ों के ऊपर बड़ा अत्याचार करती है। अभी सुल्तानपुर में तो मैं मानता हूँ भाजपा सरकार ने इनके जो गुंडे पाले थे अतीक को, अंसारी को, दुबे को, इनको खत्म कर दिया तो अत्याचार हो गया। इनके जो है ना, इनके पार्टी के जब बहन बेटियों की साड़ियां खींचे, इनके साथ बलात्कार करे तो कहते हैं लड़के गलती हो गई, ये अत्याचार नहीं हुआ। अभी, आज अभी अभी जल्दी जब हमारे अयोध्या में मोइन खान ने एक बलात्कार किया नाबालिग के साथ, ये भाई अखिलेश के पार्टी के हैं, अखिलेश तो कहेंगे भाई हो गई गलती हो गई है। ये तो अखिलेश किस खेत का मूली है, है? वही सैफई में अपना नाचे गाए गुंडे ही करे, है? एक विधायक ही तो है, एक संसद तो है, कोई पूरे हिंदुस्तान का तो विधायक संसद है नहीं। पांच लोग हैं परिवार से सांसद बना दिए और तो इतनी सीटें जीत गए। चोर जाता तो अकेले चोरी नहीं करता, उसके भी ग्रुप होते हैं 5-10 चोर के, जो डकैत होता है उसके भी 5-10 ग्रुप होते हैं चोर साथी। अतीक अंसारी अकेले नहीं थे, उसका भी ग्रुप बहुत बड़ा था, समझे, वैसे उनका भी ग्रुप है, समझे। कह रहे हैं सुल्तानपुर में ये मंगेश यादव था, इस वजह से मरवा दिए भाई। अरे वो सुलझा हुआ आदमी था, उनकी कहना नहीं मानता था तो उसको मरवाएंगे। ये कह रहा है कि योगी जी ने बताइए भाजपा सरकार ने मरवा दिया क्योंकि यादव था। अरे इसको सपा ने मरवाया, केवल कलंक लगाया भाजपा के ऊपर, मरवाया था सपा वालों ने, कलंक केवल दिया भाजपा को, सिद्ध करें भाजपा ने मरवाया। इनकाउंटर भाई जो गलत किया तो इनकाउंटर कर, अभी आप सज्जन पुरुष एक माफिया लग जाए बाहर ले जा करके पैसा दे करके इनकाउंटर करा दे, है? रह गई बात यहाँ पर भैया राजनीति की और जनता की परेशानी की। राजनीति में हम सब भाजपा को वोटिंग करेंगे। राव इस बार मुद्दा इनको क्या समाजवादी पार्टी को मौका दिया जाएगा यहाँ से अवधेश के? नहीं, समाजवादी पार्टी को रुपए में एक पैसा मौका नहीं दिया जाएगा। भाजपा में भी जब कैंडिडेट बदला जाएगा रामविलास पासवान को टिकट देंगे, बहुत सुंदर रिजल्ट से भाजपा यहाँ निकालेगी। चंद्रभान पासवान बहुत अच्छे रिजल्ट से निकलेंगे। रह गई बात, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है जानवरों से और वहाँ हमारा पशु। क्या नाम है भाई? हमारा चंद्र प्रकाश सिंह नाम है जी। आपके चैनल का स्वागत करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि सारे जितने लोग इकट्ठा हैं इनकी सब की समस्या एक है, केवल जानवर से लोग पीड़ित हैं। सरकार बढ़िया काम कर रही है, कोई भी जीतने के बाद ऐसे ही किया, किसी ने काम नहीं किया, वो चाहे लल्लू सिंह हो चाहे वो अवधेश हो, जीतने के बाद किसी ने यहाँ चेहरा नहीं दिखाया, केवल अपनी झोली भरी है बस। केवल जानवर की समस्या से हम लोग परेशान है। इस समस्या का निदान करते हुए हमारे यहाँ सरकार ठीक है, सरकार में कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग मेन व्यवसाय खेती किसानी का है क्या यहाँ इस गांव? हाँ यहाँ, हाँ देहात है, यहाँ खेती किसानी है, मतलब नौकरी चाकरी का मतलब वो नहीं है माहौल ज़्यादा, हाँ नौकरी वाले ज़्यादा नहीं है, हाँ किसान है। तो ये जानवरों वाली जो समस्या है तो इसको आप लोग कैसे चाहते हैं, क्या इसमें हो कि सही हो जाए? ये सरकार की व्यवस्था है, जैसे वो चाहे इस पे नियंत्रण करे, हम लोग सुखी रहें और सरकार अच्छी है, सरकार में कोई मतलब वो नहीं है। ये है कि जिस चेहरे को हम लोग देख चुके हैं उस चेहरे को ना लाएं, बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए, नया चेहरा आएगा तो भाजपा जीतेगी, उसमें दो राय नहीं। अच्छा ये नया चेहरा तो अजीत पासी भी हैं? अजीत वो घर भर यार एक पद संबंध उन्हीं का है, उन्हीं सांसद होंगे उन्हीं विधायक होंगे, ये कोई बात है? एक ही परिवार में पूरा रहेगा सब, ये कोई बात नहीं है। तो नया तो है, नया क्या चेहरा है यार, वो खाली जनता ने अपना खुमास उतारा हमारे क्रोध के आवेश में वोटिंग कर दिया, वो भी यहाँ चेहरा दिखाने नहीं आए। हाँ होने के कारण अपने लड़के को पद देना चाहता है, राजनीति बनी रहे, एक ही परिवार में सारा पद नहीं रहेगा। सबकी समस्या यहाँ है, वो जिसलिए घमंड कर रहा है कि हम सांसद हो गए तो मेरा लड़का भी विधायक हो जाएगा, केवल जानवरों के कारण हो गया वो, नहीं वो इतनी बुरी तरह से वो हारता वो कि जिसका कोई जवाब नहीं ली, केवल जानवर भाई साहब, केवल जानवरों का जनता में आक्रोश था इसीलिए उन्होंने विपक्ष में वोटिंग कर दिया। तो वो जानता है कि मतलब बीजेपी शासन में हम रहते हुए भी मतलब हम सांसद हो गए तो मेरा लड़का भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये जो गाय वाली जानवरों वाली समस्या है तो ये लगता है कि
बीजेपी दूर करेगी कि ये जो आएंगे इनके बेटे वो ही दूर करेगी कि इनके बेटे दूर इनके बेटे नहीं दूर करेंगे जो सत्ता में है वही दूर जो सत्ता में है उसकी जिसकी पावर है वही दूर करेगी इनके बेटे ने क्या जब इसके बाप ने हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई वो क्या दूर करेगा इसके पिताजी ने हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई क्या दूर करेगा वो तो हिंदुओं का हत्यारा है केवल ये मतलब विपक्ष के नाराजगी की वजह से कि हम लोग कुछ जनता आक्रोश में थी जैसे भाई साहब हम दो बीघे खेती करें हम अपना खेत रखाएं यहाँ घर में हमारी चोरी हो जाए तो जनता में क्यों आक्रोश था हम बीजेपी के होते हुए भी आक्रोश में सपा कोटिंग को कुछ लोग कर दिए मेरा तो तीन मत था मैंने तो माँ साहब के स्थान पर मैंने तीनों बीजेपी को दिया वो जीते या हारे मैं नहीं जानता लेकिन वो बीजेपी का मतलब केवल आक्रोश था जनता में इसीलिए वो जीत गया वो जानता है मतलब राजा हो गया राजा नहीं हो गया उसके घर में दो पद नहीं जाएगा लेकिन हाँ योगी को भी मतलब उस जो महिंदरा चेहरा था उससे उसके कम से कम उसके बदलाव करे क्या नाम है भैया सूर्यवंश तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल आप लोगों को मिल्कीपुर में उपचुनाव में देखिए भाजपा तो बेस्ट कैंडिडेट है कैंडिडेट चाहे जो आएगा हम लोग तो कमल के फूल को सिंबल मानते हैं हमें ये चीज़ नहीं है कि कोई आएगा कोई हम लोगों को मल्ली भाजपा को वोट करना है उसमें चाहे जो कैंडिडेट आए कारण कोई नहीं है हम लोग भाजपा को वोट करते हैं हम ये जानते हैं कि आदित्य योगी जी जो व्यवस्थाएं की हैं वो व्यवस्थाएं बेहतर हैं और लोगों की अपेक्षा है चाहे वो हिंदुत्व की विचारधारा हो चाहे जो हो वो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आइडल है हमारी सनातन की व्यवस्थाओं को अगर बरकरार रखा है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने ही रखा है अभी इसमें एक चीज़ जो आप बता रहे हैं कि जो ये जानवरों वाला इशू है ये थोड़ा जटिल इशू है और इस पर थोड़ा सा निजात होनी चाहिए क्योंकि जब सारे लोग रात में इधर उधर भटकते हैं दौड़ते हैं परेशान होते हैं तब उनको ये दर्द महसूस होता है कि हाँ वाकई में ये चीज़ें तकलीफ के विषय है और उसमें जो चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ गौशाला है हमारे यहाँ गौशाला बनना चाहिए और जो आरक्षित तमाम ज़मीनें पड़ी हुई हैं उस पर व्यवस्थाएं बनाई जाएं और ये कोई बड़ी बात नहीं है जनता का भी सहयोग मिलेगा और जनता के को अपनी बात बताना भी चाहिए कि जो जानवरों को दूध निकाल करके छोड़ देते हैं उनकी व्यवस्था भी वो करें उनको भी रिस्पांसिबिलिटी है क्योंकि अगर सरकार जनता उसको सहयोग नहीं करेगी तो अकेले नहीं कर सकती है तो ये सब चीज़ें हैं और भाजपा बेस्ट पार्टी है हम लोगों के लिए अभी तो यहाँ से मतलब टिकट वगैरह बीजेपी ने नहीं किया है लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है उनके बेटे को ठीक है तो इसके बाद मतलब कुछ माहौल वाहौल में यहाँ पे कुछ समझ में आया कि अब तो मामला उनका बढ़िया बनता चला नहीं उनका बढ़िया कैसे बनेगा भाई उनका बढ़िया बनने का कोई मतलब नहीं है देखिए अवधेश जी जब लोकसभा जीते तो लोकसभा जीतने का दो तीन कारण बना सबसे पहले तो ये बना जो जानवर वाला था लोगों में था लेकिन भाजपा के वोटर जो थे इतना सीरियसली नहीं गए वो जैसे वो वोट 20% वोट छोड़ने ही नहीं गए वो भाजपा को ही वोट करते लेकिन नहीं गए जब चुनाव का नतीजा जब आया तो चुनाव का नतीजा जब निगेटिव चला गया तब उनको ये एहसास हुआ कि हमको ये चीज़ें वोट देना था तो इसलिए हुआ है बाकी सपा का कोई यहाँ माहौल नहीं है यहाँ व्यवस्थाएं सब भाजपा की है और यहाँ की जितनी व्यवस्थाएं सरकार ने की है जैसे उसने गल्ला की व्यवस्थाएं की है वहाँ पर और 2000 रुपये मिल रहा है सब लोग जान रहे हैं 2000 रुपये मिल रहा है सब लोग तो सरकार की जो उपलब्धियाँ वो बेहतर है आपको क्या समझ में आ रहा है इस बार उपचुनाव यहाँ उपचुनाव में भाजपा ही जीतेगी कारण ये भगवा पहने भगवा पहने हैं भगवा वाले हैं तो भगवा पहने हैं उसमें क्या है पंडित हैं कि बीजेपी वाले भगवा पहन के घूमते हैं हाँ तो बीजेपी वाले भगवा ही पहनेंगे ना हम टोपी लगा के थोड़ी घूमेंगे हम मुसलमान थोड़ी हम टोपी लगा घूमेंगे हम बीजेपी वाले हैं भगवा पहनते हैं
क्यों यहाँ पे तो कह रहे हैं उनका एक तरीके से गढ़ है और मतलब घर परिवार सब यहीं है। किसका? उदेश का घर आपको मालूम कहाँ है? फैजाबाद में है। तो उनका घर यहाँ कहाँ हो जाएगा? मिल्कीपुर में। फैजाबाद थोड़ी, फैजाबाद उनका घर है। हाँ, भाजपा बढ़िया काम कर रही, खाली ये हमारे आसपास में जानवरों को सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए लोग परेशान हैं जानवर की वजह से खाली, बस। और बाकी भाजपा के वोटर ना कम हुए हैं ना ज़्यादा हुए हैं, भाजपा के वोटर जो हैं वो भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। लल्लू सिंह 5 लाख वोट ऐसे ही पाए थे, लल्लू सिंह 5 लाख वोट ऐसे ही पाए थे, 40-50 हज़ार से ही हार जीत हुई है ना जो हुई है, बाकी लल्लू सिंह को वोट तो मिला ही था ना, तो भाजपा वालों ने दिया होगा, जब भी तो मिला है। भाजपा के वोटर हैं, भाजपा को पसंद करने वाले लोग हैं, भाजपा काम बढ़िया कर रही, सब कुछ अच्छा है, खाली समस्या जानवरों की है, जानवरों की वजह से लोग परेशान हैं। हाँ, जानवरों का हल निकल जाए, भाजपा को वोट नहीं मांगा। यहाँ कहते हैं कोई बीजेपी का वोटर नहीं है, सब उनका है। भाजपा खाली ये जानवरों की समस्या खत्म हो जाए, बिना वोट मांगे भाजपा उपचुनाव नहीं जीत जाए तो बताना। लोग आक्रोशित हैं, आक्रोशित हैं इसलिए कि देखिए अभी 10-15 दिन की बात है, BDO साहब को एक पत्र दिया गया और उस पर जो है कि कार्यवाही ना कुछ होकर जो है सेक्रेटरी ने अपना रिपोर्ट लगा दिया कि हमने गांव वालों की मदद से जानवर पकड़ के बंद कर दिया, जबकि कुछ भी नहीं है। इस पर इसके माध्यम से चाहिए शासन प्रशासन को कि उस पर कार्रवाई की जाए, उसने झूठी रिपोर्ट क्यों लगाई, और यही चीज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए जनता परेशान है, और ये परेशानी का कारण जनता तो है ही है, इन लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, यही रीज़न है। जैसे हमने कुछ कहा तो उसका कम से कम अमल किया जाए, उस व्यक्ति को यहाँ के लोगों से प्रशासन से नाराज है जनता। भाई प्रशासन की कमी है ही है भाई, शासन तो वहाँ जोगी जी तो यहाँ बनवा रहे हैं, जोगी जी तो यहाँ बनवा रहे हैं, गौशाला बना 3 महीने पहले उद्घाटन हो गया, 3 महीना पहले उसका उद्घाटन हो गया, वहाँ पे जानवर एक भी नहीं है। जब अप्लीकेशन दी जाती है तो उस पर झूठी रिपोर्ट भी लग जाती है, और जब उसके सापेक्ष हम लोग जब फिर जाते हैं तो वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन कमी नहीं किसकी है बताइए। अभी आप 20 मिनट रुक जाइए, अभी आपको जानवर यहीं पे दिखाएंगे, कितने जानवर हैं ये बखौली गांव में, ये हमारे यहाँ पे कितने जानवर हैं आपको दिखाएंगे। ये बखौली गांव है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जानवरों वाली आवारा पशुओं वाली जो समस्या है उसको अगर सरकार दूर करे तो यहाँ के लोग BJP को वोट देंगे। हाँ नहीं तो हम लोग बिल्कुल, चुनाव का बहिष्कार है, चुनाव का बहिष्कार है हम लोगों का, चुनाव का बहिष्कार है। क्या नाम है? भैया राज बहादुर शर्मा। आप इन सबके नेता? नेता नहीं है, गांव के हुए भाई साहब है, नेता है के नेता हैं हमें, साफ साफ सब लो अगर नहीं कहने क्या मतलब कि जो कहे है कि नहीं है, नेता है हमारे और सब ना, हम सब किसान भाई चला के आए है, हमें मतलब ये है कि टिकट कह रहा है नेता, पहले अपने आप को नेता हो कि नहीं है पहले तो चेहरा बताओ, मैंने के नेता पहले बताओ कि नेता, दलाली नहीं है, दलाली नहीं करते लेकिन भाई है हमारे, हर समस्या का सुनिए, हर समस्या का समाधान करते हैं हम, सुनिए भाई रुकिए, वैसा नेता नहीं है कि हवाई जहाज से उड़ने वाले हम लोग गरीब घर के हैं, जमीनी नेता है, हमारी समस्या सुनते हैं, चलिए हमें ये बहस करते हैं। हम सब ही भैया, हम सब भाजपा ही हुई प्योर, भाजपा को वोटिंग करते हैं और उसके बाद में पूरे दिन मेहनत करते हैं, वोट ले जाके डलवाते हैं, लेकिन हमें सबको तकलीफ सिर्फ जानवरों से है, और ये नहीं मतलब है कि हमें गोरखनाथ पाँव में टिकट तो वोट देवे कि वह पास वन पाँव में टिकट देवे, अगर गोरू न पकड़ जाइए केहू सारे न देवे, हमें विधायक उधायक से मतलब नहीं, न विधायक खाबे, हमें सरकार से मतलब, सरकार जानवरों के कौन उपाय करे तो वोट दीजिए, नहीं ना सपा ना भाजपा ना बसपा किसी को यहाँ वोट हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, बात बताओ, आप कह रहे हो कि जानवरों की समस्या अगर दूर कर दी तो वोट देवे नहीं तो नहीं देंगे, अगर ये साइकिल वाले दूर करें की बात कह दी हमसे मतलब नहीं, जे दूर करे वहाँ वोट देवे, राजनीति नहीं करे का, जे दूर करे वही को वोट देवे। विदेश मंत्री जब विधायक बने थे यहीं पे आके बोले थे कि मेरे विधायक बनने के बाद में 1 महीने के अंदर जानवर नहीं रहेंगे यहाँ पे, मैं बताऊँ आपको, 3.5 साल हो गए उनको विधायक बने, एक बार भी यहाँ देखने नहीं आए, वो एक बार भी यहाँ देखने नहीं आए जानवर पकड़ने के बाद, छोड़ दीजिए। विधायकी चुनाव के पहले उन्होंने बैनर पोस्टर लगवाए थे कि हम गायों को जो है कि इनसे जनता को सुनिश्चित करेंगे, इनको हम हटवा देंगे, और वो अपना विधायक बने पोस्टर हटा समझे, अब आज तक जो है यहाँ दिखाई नहीं दिए तो वो क्या हटवाएंगे,
अब हटवाएंगे तो जोगी जी हटवा सकते हैं, और हटवाना कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जमीन है गौशाला की, गौशाला जो है कि बना हुआ है, अधिनिर्मित है, उसको बनवा के और उसमें जो है कि पकड़वा के अंदर करवा दें। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे गांव के, भगौली गांव पर इस वक्त मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे कि चुनाव को लेकर के इन सभी के मुद्दे क्या कुछ हैं। इन लोगों ने कहा कि आवारा पशु वाला मुद्दा यहां पर गांव में हमारे बहुत है, कि यहां पर आवारा पशु जो है वो हमारे खेत को एक तरीके से चर जाते हैं और वहाँ पर मतलब हमारे खेतों को चर करके हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इस वजह से आवारा पशुओं का अगर मुद्दा एक तरीके से हल करेगा जो, उसको हम लोग वोटिंग करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़।